हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो जैसे शिडी एक्सरसाइज है 12.1। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लड़के हमारी लड़कियाँ कितनी हैं, 20, लड़के हैं 15। ठीक है, तो हमें बताना है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। तो भाई लड़कियों की संख्या कितनी है, 20, लड़कों की संख्या कितनी है, 15। तो बस अनुपात का मतलब होता है बटा, काट दो 5 3 15, 5 चक्कू 20, तो हमारा क्या आ गया है, 4/3। अब इसको अनुपात में चेंज करेंगे मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 4:3, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब करते हैं बी वाला क्वेश्चन। इन्होंने कहा है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो भाई कुल विद्यार्थी तो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुल विद्यार्थी। ठीक है, कुल विद्यार्थी कैसे निकलेंगे भाई, लड़के और लड़की मिला के ना निकलेंगे, तो हम क्या करेंगे, 20 और 15 को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, अब हम अनुपात निकालेंगे। तो लड़कियों की संख्या सबसे पहले लिखी है, तो लड़कियों की संख्या थी 20 और कुल विद्यार्थी हमारे कितने हैं, 35 आए हैं। अब काट देंगे 5 को 20, 5 7 35, तो हमारा क्या आया है, 4/7। अब इसको हमें अनुपात में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, 4:7, ये हो गया हमारा आंसर। तो पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है भाई, दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट, बाकी 23 पसंद करते हैं, तो अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको अनुपात क्या ज्ञात करना है, फुटबॉल सबसे पहले तो हम शेष वाले निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन कर लेते हैं, जो शेष वाले हैं वो हम निकाल लेंगे। शेष जो हैं टेनिस पसंद करते हैं, तो टेनिस पसंद करने वालों की हम यहाँ पे निकालेंगे संख्या। ठीक है, तो टेनिस पसंद करने वालों की संख्या कैसी निकलेगी, कुल 30 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 30। ठीक है, उसमें से 6 और 12 तो क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, तो 30 में से 6 और 12 को जोड़कर हम घटा देंगे। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा तो अब आपको दिख जाएगा। ठीक है, कुल विद्यार्थी में से फुटबॉल पसंद करने वाले और क्रिकेट पसंद करने वाले घटा देंगे, तो 30 में से हमारा क्या घटेगा, 18 घट जाएगा। ठीक है, 12 और 6 हमारा 18 हुआ, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया है, 12 आ गया है। ठीक है, 12 आ गया है, मतलब टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं, 12 विद्यार्थी हैं। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। इन्होंने कहा है फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात। तो फुटबॉल कितने पसंद करते हैं, तो फुटबॉल पसंद करने वाले हैं 6 और टेनिस कितने पसंद करते हैं, 12। तो काट दो भाई 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो हमारा क्या आ गया है, 1/2। अब हमें इसे अनुपात में लिखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1:2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं बी वाला पार्ट। तो बी वाले पार्ट में कहा है क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। ठीक है, तो क्रिकेट प्रेमी की बात करते हैं, तो क्रिकेट प्रेमी थे 12, कुल विद्यार्थी हमारे कितने बताए थे, 30। काट दो भाई 2 6 12 और 15 दूनी होता है 30, मतलब 2 6 12, 2 1 2, 1 हासिल, 2 5 10। ठीक है, ये हमारा क्या, अब फिर से हम 3 से काट देते हैं, 3 से कट जाएंगे ना दोनों। अब ये बात ध्यान रखना, जिससे हम काटेंगे सेम संख्या से काटेंगे, जैसे इसको भी 2 से काटा है, इसको भी 2 से काटा है, अब हम इसको 3 से काट रहे हैं ना, 3 दूनी 6, तो इसको भी 3 से काटेंगे, 3 5 15, तो हमारा क्या आ गया है, 2/5। इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, 2:5 हो गया, जो ऊपर है उसको पहले लिखेंगे, जो नीचे है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, आकृति को देखकर अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये हमारी एक आकृति दी गई, इसमें भी कुछ आकृतियां दी गई हैं। अब ये कह रहे हैं आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्त की संख्या से अनुपात। तो हम यहाँ पे छोटी सी बात लिख लेते हैं, तो वृत्त की संख्या हमारी यहाँ पे कितनी है, तो 1 2 2 वृत्त हैं। ठीक है, त्रिभुज की संख्या बात करते हैं, तो 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 हमारे
त्रिभुज हैं। और चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज की संख्या एक चतुर्भुज, दो चतुर्भुज, चतुर्भुज भी हमारे दो हैं। अगर बात करते हैं कुल की, कुल हमारी कितनी यहाँ आकृतियाँ हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, हमारे सात आकृतियाँ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लिख लोगे ना तो अच्छा रहेगा। तो आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या, तो त्रिभुज हमारे कितने हैं, त्रिभुज हैं हमारे तीन। ठीक है, और वृत्तों की संख्या से वृत्त हमारे कितने हैं, दो। तो तीन बटे में दो, ये कटेंगे नहीं आपस में, तो तीन अनुपात में दो जो है वो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब करते हैं बी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्होंने कहा है आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या से सभी आकृतियों का अनुपात, मतलब आयत के अंदर सभी वर्ग कितने हैं, तो वर्ग जो हैं वो हैं हमारे दो, और सभी आकृतियों आकृतियाँ जो हैं वो हैं हमारी टोटल सात, कटेंगे नहीं, तो इसका मतलब इनको ऐसे ही अनुपात में लिख देंगे, दो अनुपात में सात। ठीक है, अब सी वाला करते हैं, आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृति से, तो वृत्त हमारे कितने हैं, वो हैं हमारे दो, और सभी आकृतियाँ कितनी हैं, सात, तो इसका भी अनुपात हमारा क्या आ जाएगा, दो अनुपात में सात। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। ये कह रहा है हामिद और अख्तर ने एक घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चालों का अनुपात ज्ञात करना, और इन्होंने टाइम जो बताया है वो क्या दिया है, एक घंटा बोला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे समय जो बताया है वो बताया है एक घंटे का। ठीक है, और हमारा चाल हम लिख लेते हैं, पहले हम हामिद की लिख लेते हैं। ठीक है, हामिद की चाल, तो हामिद की चाल इन्होंने बताई है 9 किलोमीटर। ठीक है, और कौन है, अख्तर। ठीक है, अख्तर की चाल बताई है 12 किलोमीटर, चाल नहीं, सॉरी, कि दूरी तय की। मैं सोच रही हूँ कि घंटे में क्यों नहीं लिखी, किलोमीटर प्रति घंटे में क्यों नहीं लिखी है, ये हमारी दूरी दी गई है। ठीक है, चाल जो होती है किलोमीटर पर घंटे इस तरीके से होती है, दूरी जो होती है वो सिर्फ किलोमीटर में होती है। ठीक है, तो इस तरीके के कन्फ्यूजन को आप इस याद करके, मतलब समय हमारा घंटे में होगा, दूरी हमारी किलोमीटर में होगी, चाल हमारा मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे होगी। ठीक है, तो इनकी दूरी जो है वो हमने लिख दी। एक हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा चाल बराबर दूरी गुणे में समय। इसी का हम करने वाले हैं यूज, क्योंकि इन्होंने कहा है चालों का अनुपात ज्ञात करो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम किसकी चाल निकालेंगे, हामिद की चाल निकालेंगे। ठीक है, हामिद की चाल हमारी कैसे निकलेगी, चाल बराबर दूरी गुणे समय, तो दूरी हमारी 9 है, समय हमारा 1 है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम निकालते हैं अख्तर की चाल। ठीक है, तो अख्तर की चाल हमारी क्या हो जाएगी, 12, दूरी गुणे समय, दूरी है हमारी 12, समय हमारा 1 ही घंटा है। ठीक है, दोनों ने 1 घंटे में तय किए, तो ये भी हमारा 12 गुणे 1 = 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों की चाल जो है वो हमारी निकल आई है, तो इन्होंने क्या कहा है कि हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात, पहले हामिद दिया है फिर अख्तर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले हामिद की चाल लिखेंगे जो कि है 9, अख्तर की लिखेंगे जो कि है 12। अगर कट रहा हो तो काट दो भाई, कट रहा है तो हम काट देंगे, 3 * 3 = 9, 3 * 4 = 12, 3 से कट रहा था तो हमारा क्या आ गया है, 3/4 आ गया है। अब इसी चीज़ को हमें अनुपात में व्यक्त करना है, तो अनुपात में हम कैसे लिखेंगे, नीचे जगह नहीं थी तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3/4, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई ये है हमारा 5वां क्वेश्चन,
ये कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे कि यहाँ पे 15/18 लिखा है, बराबर में यहाँ पे रिक्त स्थान बटे में 6 दे दिया है, फिर यहाँ पे बराबर में 10 दिया है नीचे हमारा रिक्त स्थान, फिर बराबर में यहाँ पे अंश में रिक्त स्थान बटे में 30 दिया है। अभी हमको बताना है कि क्या ये तुल्य अनुपात है। तो भाई पहले तो हम देख लेते हैं तुल्य अनुपात है कि नहीं। भाई हमारा क्या लिखा था, 15/18 लिखा था, ठीक है। अब हमारा बटे में यहाँ पे क्या है, 6। अब हमारा 6 कब हो सकता है, ठीक है, आप बताओ भाई 6 हमारा कब हो सकता है, जब हम 18 में किससे भाग करें, 3 से भाग करें, ठीक है। 18 में जब हम 3 से भाग करेंगे तो हमारा तिछांक 18 होता है ना। अब इसको अगर 6 से भाग किया, 3 से भाग किया है, तो भाई इसको भी 3 से ही भाग करना पड़ेगा, मतलब 55/15। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, रिक्त स्थान की जगह पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 10 लिखा हुआ था और यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ था, क्या हमारा 15 से 10 या कह लो 5 से हमारा 10 हो सकता है? तो आंसर होगा बिल्कुल हो सकता है। अगर हम 5 में 2 की गुणा कर देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। अगर भाई इसमें 5 की गुणा की है तो इसमें भी 2 की गुणा की है तो इसमें भी 2 की गुणा करो, तो 6 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बटे में 30 लिखा है, ऊपर हमारा ब्लॉक दिया है। अब हमारा 12 से 30 तो होगा नहीं, 18 से 30 नहीं होगा, पर हम जानते हैं 6 से हमारा 30 हो सकता है। कैसे, 6 में 5 की गुणा करके। अब अगर 6 में 5 की गुणा कर रहे हो तो इसके ऊपर वाले अंश में भी हमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें भी 5 की गुणा करो, 25, ठीक है। अब इस तरीके से हमने देखा कि हमने कुछ भी तिकड़म तिकड़म करके अपने आंसर को कैसे न कैसे ले आए हैं, लेकिन ये जो तरीका लगाया है कोई भी हमारा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई भी हमारा उल्टा सीधा तरीका नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है। पर इसमें तुम थोड़ा मतलब लॉजिकल माइंड यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व। हमने देखा है कि ये हमारा तुल्य ही आया है, क्योंकि अगर हम इसको काटेंगे 25/30 को, मैं आपको दिखा दे, तो 25/30 लिखा है तो हमारी सबसे छोटी वाली भिन्न जो है वही आएगी, सबसे छोटा हमको यही दिख रहा है ना। तो 25 पाँच छका तीस, देखो 5/6 आ गया। अगर हमारा 10/12 लिखा होगा, इसको भी काटेंगे अगर, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, ये भी हमारा 5/6 आ गया। इसको ये तो है ही 15/18 लिखा है, अगर 15/18 को काटेंगे, 55/15 तिछा घटा रहे, ये भी हमारा 5/6 आ गया। तो हमने देखा सारे मेरे 5/6 आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ ये तुल्य भिन्न हैं, ठीक है। इस तरीके से आंसर को लिख देंगे। तो भाई ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 5वां कंप्लीट हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ये इस तरीके से हमको दिया है, इनका अनुपात ज्ञात करना है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। 81 को ऊपर रखो और 108 को नीचे रखो, जिससे कट रहा हो काट दो। भाई हम जानते हैं 3 से कट जाएगा, 3 × 6 = 2 बचा, मतलब 2 1 के पहले लग गया ना, तो 2 × 3 = 21 और 3 × 3 = 9 = 18। फिर हम 3 से काट देंगे क्योंकि 3 से 2 नहीं कट जाएंगे, 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। फिर हमारा 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12। इस तरीके से अब 3 और 4 आपस में नहीं कटेंगे, तो इनके 3/4 आ गया। इनके अनुपात की बात करते हैं तो 3/4 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको करते हैं, 98/ लिखा है 63, ठीक है, इसको हम किससे काटेंगे? तो भाई हम 7 से काट लें, क्योंकि 7 × 63 होता है और इसको हम 7 से काटेंगे तो कट जाएगा, 7 × 1 = 2 और 7 × 4 = 28 और 14 × 9 आपस में नहीं कटेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 14/9। और अनुपात की बात करते हैं तो अनुपात भी हमारा 14, यहाँ पे हमारा 14 है, ठीक है, 14/9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 14 लिखा हुआ है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से, ठीक है, तो हम 33 ऊपर लिखेंगे, 121 नीचे लिखेंगे, इसको हम 11 से काट लेंगे, 11 × 3 = 33, इसको भी 11 × 11 और 1 = 11 × 11। अब 3/11 कटेंगे नहीं, तो 3/11 लिख देंगे और इसी को लिख देंगे अनुपात में, 3/11, ठीक है। अब करते हैं अपना ये डी वाला, तो 30 का निकालना है 45 से, तो 5 से कर लेंगे, 5 × 30, 5 × 45, ठीक है, और 3 से काट देंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो हमारा क्या आ गया है,
दो बटे में तीन, क्योंकि इससे ज़्यादा कटेगा नहीं, तो 2:3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लिखा है, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करें। तो भाई ये जो हमारे दिए गए हैं इनका भी हमें अनुपात ही ज्ञात करना है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30 मिनट का 1.5 घंटे से। तो भाई हमने जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में क्या देखा था कि सारी यूनिट अगर दी भी हुई थी सेम थी, जैसे कि इनमें तो यूनिट ही नहीं दी है, इसमें किलोमीटर था तो इसमें भी किलोमीटर, इसमें मिनट था तो इसमें भी मिनट था। पर इस वाले क्वेश्चन में हमने जब ध्यान से देखा तो यहाँ पे लिखा है 30 मिनट का 1.5 घंटे से। भाई इसकी यूनिट मिनट है और इसकी यूनिट घंटा है, तो हम या तो घंटे में ही चेंज कर लें या तो मिनट में ही चेंज कर लें। तो हम क्या करेंगे, मिनट को मिनट में ही रहने देते हैं, घंटे को चेंज कर लेते हैं 1/5, जिसको कहते हैं 1.5 घंटा, इसको हमें मिनट में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, मिनट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 1.5 है इसकी गुणा हमें 60 से करनी होगी। 60 से क्यों किया, 60 से इसलिए किया क्योंकि भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मिनट में चेंज कर रहे हैं ना, तो जिसमें चेंज करना है उसी से कर दो। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, इसलिए तो 15 × 90 होता है, ये वाला जीरो उतारा, दशमलव जो है 1 अंक के पहले, तो 1 अंक के पहले दशमलव लगाया तो हमारा क्या हो गया, 90। ठीक है, इसके दशमलव के बाद के जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 90 मिनट आ गया। ठीक है, अब इसको हम चेंज करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 30/90, जीरो से जीरो कट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो हमारा क्या आ गया, 1/3। इसको हम अनुपात में लिखेंगे, 1:3। ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या लिखा है, 40 cm का 1.5 मीटर से। ठीक है, इसको भी जब ध्यान से देखा, यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है भाई, इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अगर इसको भी करना चाहे तो कर सकते हैं, फिलहाल मैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूँगी। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 1.5 मीटर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 की इस 1.5 से गुणा कर देंगे। 100 से क्यों किया, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं भाई, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ठीक है, अब दशमलव जो है 1 अंक पहले, तो 1 अंक पहले दशमलव लगा दिया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 150 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अनुपात में लिखेंगे, 40/150। अब जीरो से जीरो कट गया, अब 4/15 आपस में कटेंगे नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4/15 ही लिख देते हैं, और इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, 4:15 हो गया हमारा आंसर। अब करते हैं सी वाला। तो सी वाले क्वेश्चन में हमने देखा, यहाँ पे पैसे दिया है और यहाँ पे रुपए दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चाहे तो पैसे को रुपए में चेंज कर लो, चाहे तो रुपए को पैसे में चेंज कर लो, रुपए से पैसे में चेंज करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो भाई हम जानते हैं 1 रुपया जो होता है कितने पैसे के बराबर होता है, 100 पैसे के बराबर होता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट ही 1 लिखा है तो 1 ही हमने लिख दिया, 100 पैसे लिख दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 55 का अनुपात निकालना पड़ेगा 100 से। ठीक है, अब हमने आपको ये भी सिखाया हुआ है पहले ही, हम आपको चाहे तो बता देते हैं, अगर आपको सीखना है कि बटे में जब 100 होता है इसको दशमलव में कैसे चेंज करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल, ये जैसे कि आप हमारे जो चैनल जोजस स्टडी पे तो हो ही, इस पर टच करोगे, चाहे तो आप डायरेक्ट भी पहुंच सकते हो नाम डाल के, चाहे तो आप यहाँ से भी पहुंच सकते हो, चैनल ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे आपकी साइंस पढ़ाई जाती है, ये जो चैनल है जोजस बेसिक मैथ, इस पर टच करिएगा, इस पर बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, ट्रिकी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, वीडियोज़ में जाकर देख सकते हो, चाहे तो प्लेलिस्ट में जो भी टॉपिक देखना है, तो जैसे कि दशमलव संख्याओं के सवाल, दशमलव को यहाँ पे, ठीक है, इनको कैसे चेंज किया जाएगा, दशमलव को लेकर घात और घातांक संख्या पद्धति, ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ से सीख सकते हो, जैसे दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है, इसको हम दशमलव में कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ से बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, तो आप सीख जरूर लेना यहाँ से।
अब हमें करना क्या है, यहाँ से दो जीरो हटाने हैं, मतलब इसको दशमलव में चेंज करना, दशमलव में तो फिलहाल में चेंज करना ही नहीं है, ठीक है, हमें तो काटना है, तो भाई काट लेते हैं, दशमलव में चेंज करना होता अगर तो आप वहाँ तो मतलब कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया, फिलहाल तो हमें अनुपात में लिखना है तो दशमलव में चेंज करना ही नहीं है, तो हम इसको पाँच से काटेंगे, पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, जीरो लिखा, अब ग्यारह और बीस आपस में कभी नहीं कटेंगे तो ग्यारह बटे में बीस लिख लिया, इसको लिखना हमें हम अनुपात में, तो ग्यारह हो जाएगा, ग्यारह अनुपात में बीस हो जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अब करते हैं डी वाला क्वेश्चन, तो डी वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे मिलीलीटर लिखा है, 500 मिलीलीटर, यहाँ पे 2 लीटर लिखा है, अब इसको भी हम चेंज करते हैं, तो भाई हमने देखा कि लीटर को मिलीलीटर में चेंज करते हैं, ठीक है, तो एक लीटर जो होता है वो हमारे 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। अगर हम बात करें 2 लीटर की तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर दो 1000 की, 2 से 1000 की गुणा कर दो, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2000 मिली लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हम अनुपात निकाल देते हैं, ऊपर लिखेगा हमारा 500 बटे में हमारा हो जाएगा 2000, ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए तो हमारे पास क्या बचा, 5 बटे में 20, अब हम इसको भी काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, तो हमारा ये क्या आ गया है, 1 बटे में 4, अगर इसको अनुपात में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 1:4, ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो गया, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, एक वर्ष में सीमा 1.5 लाख रुपए कमाती है और 50,000 की बचत करती है, प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब क्वेश्चन दो दिए गए हैं उनका हमें अनुपात ज्ञात करना है, हमें बताना है सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत, ठीक है, तो भाई व्यय के बारे में तो बताया नहीं गया है, उसकी इनकम जो है वो बताई गई है, तो ये बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उस कमाती मतलब इनकम, ठीक है, कितना कमाती है उसकी बात कर रहे हैं, इनकम जो है वो है 1.5 लाख की, ठीक है, और खर्च बचत करती है, ठीक, बचत के बारे में बोला गया है, बचत करती है 50,000 की, ठीक है, इतने रुपए की, तो इसका मतलब खर्च कितना करती है, खर्च या खर्च को ही हम व्यय बोलते हैं, तो इसलिए हम व्यय कैसे निकालेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, 1.5 लाख जो हमारा दिया गया था इसमें से हम 50,000 को घटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 1 लाख पूरा बच जाएगा, ठीक है, इतने रुपए वो व्यय करती है, ठीक है। अब हमें इसी को देखकर ही बताना है सीमा द्वारा किया गया व्यय, तो व्यय कितना करती है, 1 लाख रुपया व्यय करती है और बचत कितनी है, बचत है उसकी 50,000 की, ठीक है। अब नीचे 4 जीरो हैं, ऊपर भी 4 जीरो हमको मिल रहे हैं, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो काट दो, अब हमारे पास क्या बचा है, ऊपर हमारे पास बचा है ऊपर 10 बटे में 5, अब काट सकता है, काट दो, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो हमारे पास 2 बटे में 1 आया, अब इस 2 बटे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, किया गया व्यय और उसकी बचत का, तो भाई अभी मेरे क्वेश्चन पे नज़र पड़ी है, यहाँ पे व्यय नहीं लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कमाई, ठीक है, की गई कमाई, ठीक, की गई, ठीक है, की गई कमाई और उसकी बचत, तो कमाई जो थी यहाँ पे हम फिर से कर देते हैं, कमाई जो थी उसकी 1.5 लाख की थी, ठीक है, कितने की, 1.5 लाख की थी, और बचत जो थी उसकी 50,000 की थी, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो से 4 जीरो काट दिया, ठीक है, तो हमारा क्या बचा, 15 बटे में 5, ठीक है, 5 कम 5, 5 या 15, तो हमारा 3 बटे में 1 आ गया, इसका मतलब हमारा जो अनुपात आया है वो 3:1 आया है, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे कमाई है तो यह आएगा, अगर हमारा यहाँ पे व्यय होता तो 2:1 आता, ठीक है, फिलहाल यहाँ पे कमाई है तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। अब करते हैं बी वाला क्वेश्चन, तो बी वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है कि सीमा द्वारा की गई बचत, तो बचत कितनी की थी उसने, तो हमने देखा था कि बचत उसने की थी 50,000 की, ठीक है, और उसके द्वारा किया गया व्यय, तो व्यय जो हमने देखा था 1 लाख का किया था, तो हम यहाँ पे 1 लाख जो है लिख दिया। अब 4 जीरो से 4 जीरो जो है वो हमने काट दिए, तो हमारे पास क्या बचा, 5 बटे में 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो हमारा क्या आया, 1 बटे 2, अगर इसको अनुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1:2, तो ये हो गया हमारा दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो ये हो गया हमारे दूसरे वाले क्वेश्चन का
आंसर। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी हैं, 102 शिक्षक हैं, शिक्षकों की संख्या क्या विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो शिक्षकों की संख्या पहले लिखा है, तो 102 जो शिक्षक हैं वो ऊपर लिखो और विद्यार्थियों की संख्या नीचे है तो 3300 जो है वो नीचे लिखो, ठीक है, बटे में 3300। अब हम इसको काटेंगे, काट लेते हैं भाई, तो 2 से काट लें, ठीक है। तो 5 10 2 1 2 2 1 2 1 बचा, 2 6 12 1 बचा, 2 5 10 0, ठीक है। अब हमारा क्या आया है, 51 बटे में क्या आया है, ये इस हमारा 17 किससे कट जाएगा, तो ये हमारा 3 से भी कट जाएगा, 3 1 3 2 बचा, 3 7 21, ये भी 3 5 15 1 बचा, 3 5 15 0। अब ये हमारा आपस में कटेगा नहीं, तो हमारा क्या आ गया है, 17 बटे में 550। अब हमें क्या करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो कैसे लिखेंगे, 17 अनुपात में 550, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो भाई करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से 2300 जो हैं वो लड़कियाँ हैं, अनुपात निकालना है। ये कह रहे हैं लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालो, ठीक है। तो भाई लड़कियों की संख्या कितनी है, 2300 है, और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 4320। इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 230 बटे में 432। अगर ये कट रहा है तो काट देते हैं भाई। तो हमने देखा कि ये हमारा कट तो रहा है 2 से, 2 1 2 2 1 2 1 5 2 5 10, 2 2 4 2 1 2 2 6 12, ठीक है। यहाँ पे 2 1 2 हुआ, 1 5 12 हुआ, 2 6 12 कर दिया। अब हमने देखा कि ये आपस में कट नहीं रहे हैं, तो हमारा क्या आ गया है, 115 बटे में 216, ठीक है। अब इसे अनुपात में लिखना है, तो हम ऐसे लिख लेंगे 115 अनुपात 216, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले वाले का आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं अपना बी वाला, ठीक है। तो बी वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। अभी तक हमें कुल विद्यार्थी पता थे और लड़कियां पता थी, लड़के कितने हैं ये हमको पता नहीं था। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लड़कों की संख्या निकालनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा 4320 में से हम 2300 को घटा देंगे, कुल विद्यार्थी में से लड़कियों की संख्या जब घटा देंगे तो हमारे लड़के निकल के आएंगे। तो देखते हैं कितने निकलेंगे, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 2020 जो हैं वो हमारे लड़के निकल के आ गए। अब लड़के की संख्या का, तो लड़के हैं हमारे 2020 और लड़कियों की संख्या जो है 2300, इसका अनुपात निकालना है, बटे में करके 0 0 काट दिया। अब हमारा यहाँ पे बचा है 202 बटे में 230, 2 से काट देंगे, 2 1 2 0 उतारा, 2 1 2 2 1 2 फिर 2 1 2 1 बचा, 2 5 10 101 बटे में 115, ये आपस में कटेंगे नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 101 बटे में 115, जिसको हम अनुपात में ऐसे लिखेंगे 101 अनुपात 115। ये हो गया हमारा इसका दुबी वाले का आंसर। अब करते हैं अपना सी वाला। तो सी वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों का अनुपात। तो भाई लड़के कितने हैं, 2020, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 4320, 0 से 0 काटा। अब हम इसको काट देते हैं, 202 लिखेंगे और 432 लिखेंगे, 2 से काट देते हैं, 2 1 2 0, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 1 बचा, 2 6 12। अब ये आपस में कटेंगे नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 101 बटे में 216। अब हमें इसको अनुपात में लिखना है, तो लिख लेंगे 101 अनुपात में 216। तो इस तरीके से सभी के अनुपात निकल के आ चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया। यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो इसके हिसाब से हमें अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है बास्केटबॉल खेलने वाले और टेबल टेनिस खेलने वालों का अनुपात निकालना है, ठीक है। अब इन्होंने हमको बताया नहीं था टेबल टेनिस कितने खेला है, इन्होंने कहा शेष ने टेबल टेनिस खेला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं टेबल टेनिस खेलने वालों की संख्या। तो यहाँ पे लिख लेंगे टेबल टेनिस खेलने वालों की संख्या। तो कैसे निकलेगी, तो कुल विद्यार्थी जो हैं ठीक, उनमें से क्रिकेट और इनको, ये जो बास्केटबॉल हैं इनको जोड़ के घटा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल विद्यार्थी माइनस करने हैं, कुल विद्यार्थी में से क्या माइनस करना है, क्रिकेट प्लस बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल, ठीक है, इसको घटा देना है। कुल विद्यार्थी हैं 1800, घटाना क्या है, क्रिकेट वाले हैं हमारे 800 और बास्केटबॉल वाले हैं 750, इनको घटा देना है, ठीक है। यहाँ 1800 माइनस 16 में 100 में से 50 घटा दो, मतलब 1750, ठीक है। तो 1750, ठीक है, अभी सही है। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, तो हमारा 250 आया है। तो ये हमारा कितना आ गया है, 250 आ गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस खेलने वालों के, इस बास्केटबॉल वाले हैं 750 और टेबल टेनिस वाले हैं कितने हैं, 250, ठीक है। 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 0 उतारा, 25 या 75, 0 उतारा, 0 से 0 हमारा कट गया, तो क्या आ गया है, 3/1, ठीक है, 3/1। अब इसको अनुपात में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 3:1, ये हो गया है पहले वाले का आंसर। अब करेंगे बी वाला, तो ये है हमारा, बी वाला, ठीक है। ये कह रहा है क्रिकेट खेलने वालों और बास्केटबॉल खेलने वालों का अनुपात, तो भाई क्रिकेट खेलने वाले कितने थे, वो थे 800, बास्केटबॉल वाले थे 750, 0 से 0 काट दिया और हमारे पास क्या बचा, 80/75। अब इसको 5 से काट देते हैं, 5 कम 5 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 कम 5 2 बचा, 5 25, तो हमारा क्या आ गया, 16/15, ये कटेंगे नहीं, तो इसका अनुपात बताना है, तो क्या हो जाएगा, 16:15, ये हो गया हमारा बी का आंसर। अब करते हैं अपना सी वाला, बास्केटबॉल खेलने वाले कुल विद्यार्थी का अनुपात, तो बास्केटबॉल वाले हैं 750, कुल विद्यार्थी हैं 1800, 0 से 0 कट गया, हमारे पास क्या बचा, 75/180, 3 से काट देते हैं, 3 एक कम 3, 1 बचा 55, 3 छाँक 18 और 0 उतारा, फिर 15 कम 15, 15 चक्कू 60, ठीक है। तो कुछ गलत हुआ क्या, ऐसा लग रहा है मुझे, 0 से 0 कटा और 3 दूनी 6, यहाँ पे हमारा 2 आएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 बचा 55, 15, तो 25/60 आया। तो इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5 पचम 25 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5/12 आया है। अब इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, 5:12, ये हो गया सी वाले का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ, अब करते हैं 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन जो आया वो हमसे क्या कह रहा है, 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये, पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात करना है। तो भाई अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1 दर्जन पेन का मूल्य इन्होंने क्या बताया है, 1 दर्जन, दर्जन का मतलब क्या होता है, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 चीज़ें, और यहाँ पे पेन की बात हो रही है, तो मतलब 12 पेन, ठीक है, का
मूल्य जो है इन्होंने कितना बताया है, 180 रुपये। ठीक है, हमें तो 12 पेन का मूल्य पता है 180 रुपये, हम क्या करेंगे इसलिए एक पेन का मूल्य निकालेंगे। तो एक पेन का मूल्य कैसे निकलेगा, ये जो 180 है उसको हम 12 से कर देंगे भाग। ठीक है, तो 12 एकम 12, इसको भी काटेंगे, 12 एकम 12, 6 बचा 12 पंचे 60, कितना आ गया, 15 रुपये एक पेन का मूल्य जो है वो हमारा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या कहा है, 8 बॉल पेन का मूल्य जो है 56 रुपये है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8 बॉल पेन का मूल्य ये कितना है, 56 रुपये। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एक बॉल पेन का मूल्य कैसे निकालेंगे, 56 जो लिखा है उसको 8 से भाग कर देंगे, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, कितना आ गया, 7 रुपये आ गया है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था, पेन ओके मूल्य, बॉल पेन का मूल्य, तो पेन वाला ऊपर लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पेन के मूल्य का अनुपात निकालना है किससे, बॉल पेन से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो पेन का मूल्य कितना है, 15, बॉल पेन का है 7। अब क्या करेंगे, इसको अनुपात में लिख देंगे, 15 अनुपात में 7, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, भाई ध्यान से देखना, ये कह रहा है कथन को देखें, एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है, निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई दिखाती है। ठीक है, तो इन्होंने 2:5 जो है अनुपात दिया है चौड़ाई और लंबाई का। ठीक है, इन्होंने चौड़ाई अगर 10 बताई है तो इन्होंने लंबाई 25 कर दी। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पे इसको दुगना कर दिया है, 25 लंबाई को दुगना कर दिया है, मतलब दुगना कर दिया है, 25 दूनी 50, मतलब 2 से गुणा किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम 2 से गुणा ही करेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, अब 20 का यहाँ पे इन्होंने दुगना किया है, या कह लो 10 का 4 गुना किया है, कुछ भी आप कह सकते हो, तो 20 का दुगना किया है तो 40 हो गया, तो ऐसे ही 50 का दुगना कर दो तो हमारा 5×20 मतलब 200 आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो 25 का 4 गुना कर दो, 25 का कितना, 4 गुना, 50 का दुगना करेंगे तो हमारा 100 आएगा। ठीक है, 25×100 हो जाएगा, चाहे 25×100 करो चाहे 50×100 करो। ठीक है, अब इन्होंने, हमने सारणी तो पूरी कर दी। ठीक है, इन्होंने कहा क्या है कि, अच्छा सारणी पूरी करनी थी सिर्फ, तो सारणी तो हमने पूरी कर ही दी है। ठीक है, बाकी तो कुछ काम बचा ही नहीं है, तो बस हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है 14, ये कह रहा है शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए, मतलब 2 लड़कियां हैं, एक है शीला दीदी और है एक संगीता मामी। ठीक है, इन लोगों में क्या करना है, कुल 20 पेन हैं, इनको 3:2 में हमें बांटना है। ठीक है, अब हम कैसे बांटेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अनुपातों का कुल योग निकालना पड़ेगा। ठीक है, अनुपातों का कुल करेंगे मतलब इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी हिसाब से ही हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे डिवाइड, तो शीला के पास तीसरा हिस्सा है। ठीक है, शीला के पास तीसरा हिस्सा है, कुल पेन कितने हैं, 20 हैं, और 2:5 का कुल योग कितना है, 5 है, तो ये जितना आएगा वो मिलेगा शीला को। ठीक है, बात करते हैं संगीता जी की, तो संगीता के पास है 2 हिस्सा, कुल पेन है हमारे 20,
कुल अनुपात की बात करते हैं तो वो है 5, काट देते हैं 5×20, 5×5, 5×20, 3×12, मतलब 12 मिलेंगे इनको। इनकी बात करते हैं शीला जी की, 5×5, 5×20, 4×2, 8, 8 मिलेंगे इनको, और जोड़ोगे तो 20 भी आ रहा है। ठीक है, ये एक मैंने आपको तरीका बताया है कैसे किया जाएगा, इस चीज़ को हम लिख के कैसे करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था कैसे क्या करना है, मतलब जब हम बड़ी क्लासेस में पहुंच जाते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले लिखेंगे अनुपातों का कुल योग। तो कैसे निकलेगा, 3 और ये जो 3×2 लिखा है इनको जोड़ दो तो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे शीला दी दी का हिस्सा। वैसे आपके क्वेश्चन में शीला दीदी लिखा नहीं है, वो आजकल वीडियो वायरल नहीं हो रही है, काम वाली बाई वाली शीला दीदी, तो शीला दीदी लिख गया इस वजह से, कोई बात नहीं। तो शीला का हिस्सा क्या पड़ेगा, वो हिस्सा पड़ेगा वो लिखा जाएगा कुल पेनों का 3/5 भाग। ठीक है, कुल पेन का 3/5 भाग, ये होता है हमारा फॉर्मूला जिसको हमने इस तरीके से लिखा है। कुल पेन कितने हैं, 20, इनका 3/5 भाग। अभी अभी हमने सॉल्व किया, 3×5, 5×20, तो 12 आ गया, 12 पेन। ठीक है, अब बात करते हैं संगीता की। संगीता का हिस्सा, यहीं पे वही फॉर्मूला हो जाएगा, कुल का इनका संगीता में कितना आ रहा है, 2 आ रहा था ना, 2/5 भाग। ठीक है, तो 20 का 2/5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 पेन। ठीक है, इस तरीके से हम अपने का आंसर को लिख देंगे। दोनों तरीके बताए हैं, जो तरीका अच्छा लगे उससे कर लो। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये है, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपये को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहते हैं। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष, भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना पैसा मिलेगा। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया, पर पहले क्वेश्चन में अनुपात दे दिया गया था, इस वाले क्वेश्चन में अनुपात नहीं दिया है, हमको डायरेक्ट आयु दे दी गई है। ठीक है, तो जो आयु दी गई है उसी से हम अनुपात निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे श्रेया और भूमिका की आयु में अनुपात। ठीक है, ये अनुपात हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। तो श्रेया हमारी कितने की है, 15 साल की, भूमिका है 12 साल के, बस बटे में कर दो, 3×5 15, 3×12, इससे ज़्यादा कटेगा नहीं। तो अनुपात हमारा आ गया है 5:4 का। ठीक है, ये अनुपात आ गया, अनुपात पता चल गया, हम क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको पता है कि दोनों में जो पैसे बटेंगे इस अनुपात में बटने वाले हैं। ठीक है, ये श्रेया के हो गए, ये भूमिका के हो गए। ठीक है, अब हम लिखेंगे अनुपात का कुल योग। ठीक है, अनुपातों का कुल योग, तो भाई योग निकालें तो ये जो अनुपात आया है इनको हम जोड़ देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं श्रेया के हिस्से की, यहाँ पे लिख देंगे इसलिए श्रेया का हिस्सा। तो श्रेया का हिस्सा कैसे निकलेगा, भाई श्रेया का हिस्सा जो है, श्रेया के पास कौन सा अनुपात है, 5 है। ठीक है, 5/9 टोटल 5 जो श्रेया का हिस्सा है और जो कुल है वो बटे में कर देंगे और उसकी गुणा किससे कर देंगे, जितने रुपए हैं, तो कुल रुपए कितने हैं, 36। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, 36 का आप लिख सकते हो 5/9 भाग, 5×9 9×36, तो 5×4 का मतलब 20 रुपये जो हैं वो किसको मिलेंगे, श्रेया को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भूमिका का हिस्सा, तो भूमिका को कितना हिस्सा मिलेगा,
तो भाई कुल 36 रुपये थे, चाहे तो 36 को पहले कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 36 रुपये थे। और श्रेया का अनुपात, भूमिका का अनुपात था 4 और कुल था हमारा अनुपातों का योग 9। 9 × 9, 9 × 4, 36, 4 × 16 हो जाएगा, ठीक है। बस ये 16 रुपये जो हैं वो मिलेंगे भूमिका को। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब भाई करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु जो है 14 वर्ष है, अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन कहा है पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी थी 42, पुत्र की थी 14, बटे में कर दो, काट दो, 2 × 4, 2 × 1, 2, 2 × 7, 14, 7 × 7, 7 × 3, 21, तो हमारा क्या आ गया 3/1। अनुपात निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा 3/1, ये आ गया है पहले का आंसर, ठीक है। अब करते हैं बी वाला पार्ट। तो बी वाला क्वेश्चन कह रहा है पिता की आयु का पुत्र की आयु से, जब पुत्र 12 वर्ष का था तो वर्तमान में पुत्र कितने का था 14 का था, ठीक है। अब इन्होंने कहा है पुत्र 12 वर्ष का कब होगा, 2 साल पहले का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमें पता चल गया ना, हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। अब ये लिख दो तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मतलब कॉपी चेक करने वाले को पता चल जाएगा आप कहना क्या चाह रहे हो। तो भाई अब आता है बी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने इसमें देखा ना 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, मतलब पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हमारी क्या हो जाएगी, वर्तमान में थी 42, तो 2 घटा 2, ठीक है, तो वर्तमान 42 थी और पूर्व की बात हो रही है ना, तो हमारी कितनी आ जाएगी 40 वर्ष आ जाएगी। अब इन्होंने कहा है पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात जो है वो हमें निकालना है, तो भाई हम क्या करेंगे 40 को 12 से कर देंगे भाग। अब इसको काटेंगे पीटेंगे तो भाई 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4 और 0, और 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 20, हमारा 10/3 आ गया, मतलब अनुपात जो निकला है वो निकला है 10/3 का निकला है, ठीक है। अब करते हैं सी वाला। अब इन्होंने कहा 10 वर्ष बाद पिता की आयु का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से अनुपात, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों की आयु 10 वर्ष बाद वाली लिख लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष बाद, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पिता की आयु, तो वर्तमान में कितनी थी 42 में जोड़ दो 10, हो जाएगा 52 वर्ष, ठीक है। और पुत्र की निकालेंगे, अब पुत्र की आयु, ठीक है, वर्तमान थी 12, ठीक है, और सॉरी 14 थी वर्तमान में, और इसमें जोड़ देंगे 10, हो जाएगी 24 वर्ष, ठीक है, इस तरीके से निकालती हूँ। अब हम अनुपात निकालेंगे, तो भाई अनुपात हमारा किसका निकलेगा 52 का और 24 का, 2 से कट जाएंगे, काट दो, 2 × 4 = 1, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 4 अभी भी हमारा 2 से कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, अब हमारा कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, इसका मतलब 13/6 आ जाएगा। बात कर रहे हैं अनुपात की, तो 13/6 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी वाला भी हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब करते हैं अपना डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में इन्होंने कहा है पिता की आयु का पुत्र की आयु से, जब पिता 30 वर्ष का था, ठीक है, जब पिता 30 वर्ष का था तब बात कर रहे हैं, मतलब वर्तमान में तो पिता की आयु कितनी है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे, चाहे तो यहाँ पे लिख दो चाहे तो साइड में कर लो, ठीक है, हम साइड में करें ले ज़्यादा सही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान में पिता की आयु, तो वर्तमान में पिता की आयु बताई है 42 वर्ष, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 30, जब पिता 30 वर्ष का था, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे
पिता के 30 वर्ष होने की बात का मतलब यहाँ कितने वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो क्या करेंगे 42 में से 30 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, घटाने पे हमारा आ जाएगा 12 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए पुत्र की आयु, तो 12 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो भाई पुत्र जो था वो कितने साल का है वर्तमान में, 14 का, 12 उसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब हमें अनुपात निकालना है, तो भाई पिता की आयु सबसे ऊपर लिखनी है, पुत्र की आयु नीचे लिखनी है, काट दो, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 1 बचा 2 5 10 15/1 आ गया है। अब हमें अनुपात बताना है, तो अनुपात क्या आ जाएगा 15/1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अपने दोस्तों पास पड़ोसियों से सबको शेयर करना मत भूलिएगा, साथ में अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिखना भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लेना।